कहते हैं जहाँ जा होती है वहाँ राह होती है। आज ऐसे ही आर्टिस्ट हमारे बीच मौजूद हैं जिन्होंने चाह के बड़े या बहुत दूर विषय में अपना नाम और पूरे देश का नाम रोशन किया है। आज हमारे बीच मौजूद हैं अदिति भागवत जी, जो 3 प्रमुख डांसेस करती हैं और सीखा है, ओडिसी सीखा है, कथक सीखा है, लाभा सीखा है। अदिति भागवत मैम का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जज्बात के सारे मैम, आपको कौन से उम्र में आपने लाभी सीखना शुरू किया? कथक से, कथक से, कथक सीखना शुरू किया जब मैं 4 साल की थी, तब से डॉक्टर रोशन कुमारी जी से, और तकरीबन 16 साल मैंने उनसे सीखा कथक। उसके बाद उनकी शागिर्द कविता पुणे से सीखा। 10 साल मैंने ओडिसी की शिक्षा में काम की, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ, मराठी हूँ, तो मुझे बड़ा अभिमान है मेरे महाराष्ट्रीय फोक डांस का। तो इसलिए मैंने लावणी सीखना शुरू किया, और लावणी सीखते सीखते अभी ये कंसेप्ट मैंने बनाई है, सर्कल बनाई है, कथक लावणी जो कथक, जिसको मैं आज गंगा महोत्सव में पेश करूँ। मैम, 4 साल की उम्र से आप सीख रही हैं, इसका श्रेय आपकी मम्मी को जाता है। हम आपकी मम्मी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कहते हैं कि हर किसी कामयाब व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मुझे लगता है आपके पीछे भी आपकी मम्मी का हाथ है। बिल्कुल, आई सी डिजर्व द ये टाइम वो भी शी डस ये सारी प्रेरणा मुझे इनसे मिली है। पहले ये गाई है तो इन्होंने किया मुझे भी नमस्ते, तो अब यहाँ तक पहुँची हूँ दर्शकों के सामने। मैम, आपको क्या मन में आया कि आपने 4 साल की उम्र से मैम को डांस सिखाने को लगा है? मैं खुद क्लासिकल सिंगर थी, तो मुझे ये डेफिनेट लगा कि अगर मैं क्लासिकल में कर सकती हूँ तो मेरी बेटी क्यों न करे। ये अगर बेटी है कि मेरा बेटा भी अगर होता तो मैं उसको कहीं ना कहीं क्लासिकल में। मैम, जब 4 साल की उम्र में आपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाया था डॉक्टर रोशन कुमारी के अंदर, क्या इतना इमेजिन किया था कि मैम इतना आगे बढ़ जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ये तो बात नहीं, मैम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उस पर्सपेक्टिव से रियाज होता नहीं है, बस एक बात हम सीखते हैं, अगर उसी नजरिए से उसको अप्रोच करो तो शायद हम कामयाब हो पाते हैं, वरना 4-5 साल की उम्र में आप सोच लो कि ये सुपरस्टार बनेगा तो वो नहीं बस नहीं, क्योंकि फिर उसकी मेहनत नहीं करेंगे आप पहले ही सोचेंगे कि मैं सुपरस्टार हूँ। तो जो मेहनत करने के साल होते हैं उसमें सिर्फ मेहनत को ध्यान में रखना चाहिए, ना कि सक्सेस को। सक्सेस जब आना होता है तब आ जाता है। मैम ने बहुत सही बात बोली है, मुझे लगता है हर दर्शक को मैं बोलना चाहूँगा कि कभी भी ड्रीम को देख करके मेहनत मत कीजिए, आप मेहनत करते जाइए, आप जो जाते हैं जो भी बनना होगा आप बन जल्द हो जाएंगे। मैम, दूसरा सवाल मेरा आपसे, आप बहुत सारी कंट्रीज को घूम चुकी हैं, जैसे कि यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज, सबसे बेहतरीन देश कौन सा लगता है? मुझे तो सबसे बेहतरीन देश अमेरिका लगता है, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं, बहुत ही हमारे कल्चर को आप समझने लगे हैं, बिकॉज इतने बड़े तादाद में थे वहाँ पर, और उनको संगीत से बड़ा प्यार है, नई नई चीज़ों का प्रयोग करने करना वो चाहते हैं, तो ये सारी बातें अमेरिका में मुझे बड़ी पसंद आई। बहुत ओपन कल्चर है उनका, हम कभी भी गेस्ट करके जब वहाँ परफॉर्म करने जाते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं हमें बहुत अच्छा। सो आज तक मेरी सबसे अच्छी जो मेमोरीज रही हैं वो यूएसए में रही है। हम यूएसए की बात कर रही हैं, भारत में आपको कौन कौन सा राज्य अच्छा लगता है, कौन कौन से राज्य जा चुके हैं परफॉर्म करने? भारत में बैंगलोर में मैं काफ़ी कर चुकी हूँ, हैदराबाद एक बड़ा ही अच्छी सिटी है परफॉर्मेंस के लिए, महाराष्ट्र में तो कई जगह हैं, बॉम्बे, पुणे, कोल्हापुर में बड़ा अच्छा क्राउड मिलता है, और आज हम देखने वाले हैं कि बनारस वासी, वाराणसी वासी हमें कैसे वेलकम करते हैं। अब तक तो सब अच्छा जा रहा है, अभी स्टेज पर अभी जाना है हमें, तो पता चल ही जाएगा, तो मैं होप करती हूँ कि नंबर 1 पोजिशन पर वाराणसी आ जाए। मैम, उम्मीद हम भी करते हैं कि वाराणसी नंबर 1 पे आ जाए, और उम्मीद करते हैं जितनी ऊंचाइयों को आप छू रही हैं और ऊंचाइयों को छू रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है, मेरा तीसरा सवाल आपसे है, आपने 3 डांस सीखे हैं, कथक सीखा है, ओडिसी सीखा है, लावणी सीखा है, सबसे बेहतरीन डांस कौन लगता है आपको? ऐसे तो मैं बोल नहीं पाऊंगी, ये ऐसे बोलने के बराबर होगा कि किसी माँ को पूछे कि आपका फेवरेट बेटा कौन सा है या बेटी कौन सी है। ऐसा है, हर डांस फॉर्म अपने अपने आप में बहुत अलग है, हर डांस फॉर्म की जो एक फीलिंग है वो करने में वो अलग है। जैसे लावणी फोक डांस है तो उसके पीछे जो फीलिंग्स आती हैं वो अलग होती हैं, कथक शास्त्रीय डांस है वो अलग होता है, तो
हर एक का प्रेजेंटेशन अपना अपना अलग है, ऐसे मैं चूज नहीं कर सकती। मैम, लावनी में महाराष्ट्र सॉन्ग का बहुत रोल होता है, क्या आप हमारे लिए वो सॉन्ग गा सकते हैं? ज़रूर गाऊंगी, आज जो हम प्रेजेंट करने वाले हैं उसी में से गाऊंगी, जिसमें डिस्क्रिप्शन किया है पैर में बांधे हुए घुंघरू। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत। मैम बोलते हैं कि कथक बेसिकली स्टोरी टेलिंग है, कथा बताई जाती है, चाहे वो राम जी की हो, चाहे वो कृष्ण जी की हो, चाहे किसी और भगवान की हो। क्या लावनी भी इसी तरीके की स्टोरी टेलिंग होती है या डिफरेंट होती है? लावनी भी इसी तरह की स्टोरी टेलिंग है, सिर्फ उसमें थोड़ा सा सब्जेक्ट मैटर कभी कभी चेंज हो जाता है। जैसे लावनी उस दौरान जब फ्रीडम स्ट्रगल चालू था इंडिया में, और इवन जब मुगल साम्राज्य महाराष्ट्र में था, तब कई बार लावनी के माध्यम से सोशल इन्फॉर्मेशन या फिर लोगों को इकट्ठा करके उनको जानकारी देने कि हमारी हमारा शासन क्या कर रहा है, हमारी सोसाइटी में समाज में कौन से ऐब हैं जिनको हमें निकाल के रखना है, जैसे सती था, डाउरी था, ये सारे जो प्रॉब्लम्स थे उस दौरान, उसके बारे में गाने रचकर, डांस रचकर वो लावनी की जाती थी। तो जैसे कि चौक होता है गांव का मेन, उधर वो डांसर और म्यूजिशियंस खड़े हो जाते थे और लावनी के माध्यम से, काव्य के माध्यम से सामाजिक चेंज लाने के लिए बैठे थे। तो लावनी का ऐसा भी इस्तेमाल था। लावनी में राधा कृष्ण की भी कहानियाँ होती हैं, लावनी में शिव तांडव भी है, लावनी में श्रृंगार का भी वर्णन है, जैसे लावनी में विरह गीत जिसको हम बोलते हैं, विरह गीत है, फिर नटखट कोई अदा है, दो सखियों की बातचीत है, ऐसा भी होता है। कई बार लावनी में ताल का भी वर्णन किया जाता है, जैसे तो सब्जेक्ट मैटर तो एक सा ही है, लेकिन फोक डांस की तरह फोक स्टोरीज को भी लेके लावनी हो जाए। अभी तक मुझे लगा लावनी महाराष्ट्र तक फेमस था, आपको लगता है कि लावनी अब महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहा, अब पूरे देश में या विश्व में लोग चाहने लगे हैं, लोग से डिमांड करते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल डिमांड करते हैं। जैसे अभी हमारा ये शो जल्दी सिंगापुर और दुबई भी हम प्रेजेंट करने वाले हैं अगले सीजन में, लावनी अब सभी महाराष्ट्र तक नहीं है। जैसे अभी गंगा महोत्सव है, ऐसे माध्यमों की वजह से जो कला को समझने वाले लोग हैं, जो सिर्फ प्रांत को लेके या भाषा को लेके खड़े नहीं है, वो लोग लावनी को देखना बहुत पसंद करते हैं। अभी हम चंडीगढ़ भी जाते शो करते हैं, चंडीगढ़ तो बिल्कुल ही कल्चर अलग है, वहाँ क्लासिकल भी इतना नहीं है, पंजाबी भी इतना ज़्यादा फेमस है, तो वहाँ भी हम ये शो करके आए हैं। वहाँ के हमें पता नहीं था कि ऐसा मिला हुआ ऐसी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि चंडीगढ़ के बाद वाराणसी आए हैं, तो एक अलग अगले में हमारा दिल्ली और नोएडा में भी शो हुआ, वो एक अलग माहौल था। और आगे मैम, आप जैसे बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, टॉलीवुड, इसमें जो डांसेस के फॉर्म हैं, आपको लगता है जो डांसेस बॉलीवुड और हॉलीवुड में करवाए जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारा कल्चरल इफेक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे जो क्लासिकल डांसेस हैं, क्लासिकल सॉन्ग्स हैं, वो अफेक्ट हो गए हैं, और कहीं ना कहीं हमारी कंट्रीज में उसका एक हार्म तरीके का मुझे नुकसान है, क्या लगता है आपको? मुझे ऐसे लगता है कि वो गाने अपनी जगह ठीक है, बॉलीवुड में अगर उस स्टोरी को उस चीज़ की ज़रूरत है तो वो गाना वहाँ पर है। मुझे प्रॉब्लम इस बात की है कि अगर वो गाने हो रहे तो क्लासिकल हो ही नहीं रहा। जैसे पुराने ज़माने में भी हेलन जी के गाने हुआ करते थे, लेकिन उसी को लेके वैजयंतीमाला, आशा भारे के भी गाने थे, दोनों कॉम्बिनेशन हमें देखने मिले, और दोनों उतना ही सुंदर होता है। अब क्या हो गया, क्लासिकल जीरो के बराबर हो गया है, जब तक माधुरी दीक्षित थी, लेकिन उन्होंने भी प्योर क्लासिकल बहुत कम उनको करने को मिला टीवी पर, जितना श्रीदेवी तक चांस था, हेमा मालिनी तो और भी पहले की हो गई। तो अब मुझे ऐसे लगता है कि प्रॉब्लम इस बात का है कि क्लासिकल दिखाया ही नहीं जाता। अगर क्लासिकल को बॉलीवुड के गाने उनको चलिए, जो लोग देखो समझदार है, जो देखना है वो देखेंगे। अगर आज संस्कृति हमारी नहीं होती तो आज इतने लोग यहाँ नहीं आते, जो गंगा महोत्सव देखने लोग आए वो भी यहाँ नहीं आते, सब बॉलीवुड देखने।
लोग जो देखना चाहते हैं वो देखते हैं, अगर आप अच्छा प्रेजेंट करो तो लोग वो भी देखेंगे, अगर आप बुरा दो तो वो भी लोग देखेंगे, तो कुछ कर नहीं सकते। सो प्रॉब्लम मुझे बॉलीवुड के गानों से नहीं है, प्रॉब्लम इस बात से क्लासिकल हट गया है, और पुराने ज़माने में क्लासिकल अगर नहीं आपने गाने वो ज़माना ही अलग। मैम अदिति भागवत को लोग जानते हैं क्योंकि वो डांसेस करती हैं, क्लासिकल डांस में फेमस सेलिब्रिटी हैं, लेकिन अगर मैं अदिति भागवत के दूसरे पार्ट की बात करूं जो वो घर में रहती हैं या बाहर रहती हैं, तो अदिति भागवत कैसी होती हैं, क्या आप आपके इंटरेस्ट क्या क्या हैं और इन डांसेस को छोड़? मेरी इंटरेस्ट है, मुझे म्यूज़िक सुनना बड़ा पसंद है, ड्राइविंग करते समय म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है, मुझे साइकिलिंग बहुत पसंद है। अलाउड नहीं नहीं फ़ोन पे बात करना पसंद नहीं, अब फ़ोन पे अलाउड नहीं है, हालांकि फ़ोन पे बात करना भी मुझे बड़ा पसंद है। स्टैम्प्स कलेक्टिंग करती हूँ मैं, जो टिकटें होती हैं पोस्टल स्टैम्प्स, उसका मुझे शौक़ बचपन से है, अभी तक करती हूँ। जब ट्रैवल करती हूँ फॉरेन कहीं भी दिख जाता है तो आई पुट इट टू माय कलेक्शन। साइकिलिंग मुझे बड़ा पसंद है, शॉपिंग बड़ा पसंद है, समय निकाल लेती हूँ सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल सबके लिए समय निकल जाता है, और ट्रैवलिंग बड़ा पसंद है मुझे, वैसे भी डांस की वजह से काफ़ी घूमने मिल जाता है, बट बिसाइड्स दिस जैसे ही मेरा यूनिफॉर्म उतर जाता है डांस का, आई एम लाइक एनीबडी एल्स। ऑल ऑफ अस आर नॉर्मल सिटीजंस। मैम देश की तीन समस्याएं आपसे पूछूं तो वो क्या होंगी? देश की तीन समस्याएं, एक तो है ऑफकोर्स बहुत होलिस्टिक भी हो अगर मैं बोलूँ तो, ये पॉवर्टी, पॉपुलेशन, वाटर प्रॉब्लम, ये तो बहुत ही बड़ी समस्याएं हैं जिनको हमें फेस करना है, हमारे अगले जनरेशन को फेस करना है। बहुत ही डिटेल में अगर सूक्ष्म प्रॉब्लम्स हम बोलें तो वो है संस्कृति का जो उठा हुआ लिहाज जिसको बोलते हैं, जो एक बहती जा रही है हमारी संस्कृति और वापस आने का नाम नहीं। फिर कई बार आजकल का यूथ बहुत मिसलीड होने जा रहा है बिकॉज ऑफ क्विक बेनिफिट्स, जैसे बहुत क्विक सक्सेस मिल रहा है, क्विक पैसे मिल रहे हैं, उससे लोग भटक रहे हैं, मेहनत का मोल अब समझ में नहीं आ रहा है, और चीटिंग ज़्यादा होने लगी। और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ह्यूमन वैल्यू, जो आजकल रिलीजन के नाम पे, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं डांस आर्टिस्ट हूँ तो कला मेरा रिलीजन है, कला मेरा, मैं किसी धर्म में नहीं मानती, तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की जनरेशन और अगर आगे आए उनकी भी लाइफ में कला इस टाइप का कोई भी डिसिप्लिन अगर आ जाए तो ये सारी चीज़ें हट सकती हैं, दूर हो सकती हैं, और हम ह्यूमन्स को वैल्यू करना सीख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ वैल्यूइंग, इंस्टेड ऑफ वैल्यूइंग तुम्हारा खून कौन सा है, मेरा खून कौन सा है, तुम्हारा कौन सा है, तुम्हारा खून कौन सा है, मेरा खून तुम्हारा, भगवान का खून कौन सा है, जात पात में जरा विश्वास नहीं करते, मुझे लगता है ये भी अभी बड़ी समस्या है जो हमें लगता है हट चुकी है लेकिन एक मूलभूत रूप में लोगों के दिमाग में अभी भी जाती है, भाषा भी प्रांत ह्यूमन वैल्यू से ही। मैम मेरा दूसरा सवाल आपसे, दूसरा सवाल तो बहुत सारे कर लिए हैं मैंने, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ की बात के लिए बात कर रहा हूँ। यंग एसोसिएशन आपको पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, यंग एसोसिएशन गरीब बच्चों के लिए काम करता है, अंडर प्रदेश में काम करता है, और क्योंकि मैम उसी प्लेटफॉर्म से आज हमारे से बात भी कर रही है, तो मैम हमारे पास बहुत सारे वॉलंटियर रहते हैं जो अपनी पढ़ाई की तरफ को बढ़ाते हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज करना चाहते हैं? वेल मैं सबसे पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, मैं बधाई देना चाहूँगी कि वो इतना नोबल काम कर रहे हैं, किसी को भी सिखाना, टीचिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट नोबल प्रोफेशन, और ये जो काम दिल से कर रहे हैं, क्योंकि ऑफकोर्स उनको तो पैसे नहीं लेते, दे डू वॉलंटियर वर्क, तो वो तो और भी बड़ा नोबल काम हुआ, तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, बोलूँगी कि आप खुद कंटिन्यू करें और आप ही की तरह और लोगों को भी प्रेरित करें कि वो आएँ और सिखाएँ लोगों को, बिकॉज जो आपने मुझे तीन प्रॉब्लम्स बोले उसमें से अगर चौथा प्रॉब्लम मैं ऐड करूँ तो वो है एजुकेशन, जो मुश्किल से हमारी पॉपुलेशन की ऐसी परसेंटेज है जो सीख चुकी है एटलीस्ट 10th तक या 12th तक, तो सीख सिखाई पढ़ाई बहुत। मैम चौथे प्रॉब्लम को हम सॉल्यूशन मानते हैं, लेकिन जैसे अगर लोगों को लिटरेट